मानवता भलाई के कार्यों में हमेशा अग्रणी रहने वाले हरियाणा के जिला करनाल के ब्लॉक बयाना की साथ संगत व शाह सत्ताम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने एक बार फिर समाज पर इंसानियत की छाप छोड़ने का काम किया। दरअसल आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में ग्रीनेस की वर्दी पहने और हाथों में पौधे लेकर ये सेवादार अपने गुरु पीर फकीर यानी डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को उनके पावन अवतार दिवस की खुशी में एक ऐसा अनोखा तोहफा दे रहे हैं जो इतिहास में आज तक किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को नहीं दिया। दरअसल आज ये सेवादार बड़ी संख्या में पौधे रोपित करते हुए प्रदूषित होती धरा को फिर से हरियाली की सौगात देने का काम भी करेंगे। बता दें कि इस पौधारोपण अभियान का शुभारंभ सर्वप्रथम सरपंच उषा कंबोज ने पहला पौधा लगाकर किया, जिसके बाद ब्लॉक की समस्त सासंगत द्वारा 5,777 पौधे लगाए गए। ब्लॉक प्रेमी सेवक प्रदीप इंसा ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक बयाना ही नहीं अपितु पूरे विश्व में डॉक्टर एमएजी का पावन अवतार दिवस पौधारोपण कर मनाया गया है और इस दौरान लाखों की संख्या में डेरा श्रद्धालुओं द्वारा पौधे लगाकर उनकी बड़े होने तक सार संभाल करने का प्रण भी लिया गया है। वहीं इस मौके पर सरपंच उषा कंबोज ने डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं द्वारा किए जा रहे इस पौधारोपण अभियान की भरपूर प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि धन्य है डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जिनके पावन आशीर्वाद से आज पूरे विश्व को हरियाली की सौगात मिली है। खैर, इस पौधारोपण अभियान के दौरान 85 मेंबर रॉबिन इंसा, मास्टर तनुज इंसा, दीपक कुमार, शिव कुमार, जय सिंह इंसा, जीतू इंसा, ऋषभ, रिंकू इंसा, संजीव इंसा, राहुल सहित बड़ी संख्या में सेवादारों ने पौधे रोपित करते हुए समाज को पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। तो डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं द्वारा किए जा रहे इस पौधारोपण अभियान को लेकर सचकोम भी ने दिल से सैल्यूट करता है और अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप इस पौधारोपण अभियान को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।